आप एग्जाम टूर देख रहे हैं, पूरे देश में लगातार भर्ती चल रही है, लेकिन एक तरीका से भर्ती निकाला जा रहा है और दूसरे तरीका से देखिएगा तो एग्जाम में बहुत सारा प्रश्न पत्र लीक हो जा रहा है। सभी एग्जाम का एक दो एग्जाम सही से हुआ, उसका अगला एग्जाम जब हो रहा है तो पेपर लीक हो जा रहा है। अभी बिहार में लगभग 2-3 भर्तियां केवल पेपर लीक के कारण लटकी हुई है। यूपी में चले जाइए तो कई सारे भर्तियां पेपर लीक के कारण लटकी हुई है। अभी नीट का पेपर लीक का जांच चल रहा है। एनटीए के द्वारा एक और एग्जाम कराया गया, नेट जीआरएफ उसको रद्द कर दिया गया, यानी पेपर लीक एक बहुत बड़ा समस्या बना हुआ है। अभी बिहार में कई सारा एग्जाम होने वाला है, क्या हो सकता है, विद्यार्थी बहुत हतोत्साहित है। रहमान सर है सर, आपका स्वागत है एग्जाम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जितना तेजी से एग्जाम लिया जाता है, अगला दिन आता है कि कैंसिल हो गया, रद्द कर दिया गया, तो विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि 2-4 बार हर एग्जाम देना पड़ रहा है। एक तो आवेदन शुल्क बहुत ज्यादा लगता है, उसके बाद जाने आने का खर्च लगता है। खासकर बिहार में गरीब तबके के ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं, सबका च्वाइस होता है कि सरकारी नौकरी कर। एक एग्जाम 4 बार देंगे, कितना समय लगता है? देखिये, समय तो निश्चित रूप से लगता है, बेचारे बेरोजगार है, उनके पास समय लगाने के और खर्च करने का अतिरिक्त कोई साधन नहीं है। सबसे बड़ा और यक्ष प्रश्न यह है कि आखिर क्या कारण है, कौन ऐसा सिस्टम है जो फेल हो गया है, जिसके कारण बस हर परीक्षा का परस्पर आउट हो रहा है। ये तो बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद के बात रहे माननीय प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने बिल लाया, लोकसभा से पास कराया और उसको इंप्लीमेंट भी कर दिया गया। लेकिन एक बात मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि ये इसमें अब तक जितनी भी कार्रवाई हुई है, जितने भी परीक्षा में जो हुआ है, उस परीक्षा के अध्यक्ष डिक्टेटरशिप रहे हैं, चाहे बिहार के किसी भी आयोग के अध्यक्ष वो डिक्टेटरशिप रहे हैं, वे अपने आप को समझते हैं कि जो हम बोल दिए वही सच है, तो उन लोग पर अंकुश लगना चाहिए। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसका जो मेन जो मास्टरमाइंड है, वो मेन मास्टरमाइंड, ये जांच एजेंसी हर दिन कहती है कि मास्टरमाइंड पकड़ा गया, ये मास्टरमाइंड पकड़ा गया। कभी मास्टरमाइंड संजीव हुआ करता था, आज मास्टरमाइंड देखे तो कोई अन्नी करके कोई मास्टरमाइंड है। तो निश्चित रूप से एक समरांतर सरकार के तहत ये माफिया काज कर रहे हैं, जो कि एक तरफ परीक्षा होती है और परीक्षा के पहले उनके पास क्वेश्चन पहुंच जाता है, जो बच्चों के साथ अत्यधिक घातक हो रहा है। अब तक चलेगा जब तक सरकार पूरी जिजीविषा के साथ, पूरे जोश के साथ, चाहे मंत्री हो, विधायक हो, अधिकारी हो, कोचिंग माफिया हो, उन पर अंकुश नहीं लगाती है और सरकार ठान नहीं लेती है, तब तक यह चलता रहेगा। और इसमें टोटली मैं कहूंगा कि सिस्टम ही किसी ना किसी रूप में दोषी है, और सिस्टम को पूरे एग्रेसिव मूड में, ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, नॉट डिफेंस इज द बेस्ट ऑफेंस, ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस की पॉलिसी अपनानी होगी, तभी इस तरह के चोर अंदर जाएंगे। दूसरी बात की जो प्रधानमंत्री का बिल जो आया है, एक करोड़ का जुर्माना और 10 साल की सजा, इसको लागू करने के लिए मैं प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। अब मैं राज्य सरकार से कहूंगा कि इस बिल को केवल और केवल बिल के रूप में न रहने दें, अभी तो इसको पूरी तरह से पटल पर लाकर उन तमाम चोर माफिया को देशद्रोह का मुकदमा उन पर चले, ताकि वो बच्चों के भविष्य साथ खिलवाड़ न कर सके। कई 1000 करोड़ का धंधा हो जाता है एक नीट का, देखिए 40-40 लाख इसमें कितना लिया जाता है, वैकेंसी से ज्यादा तो प्रश्न पत्र लीक करने वाले। अभी कई सारे विद्यार्थी आए थे कि मेरे से 3-3 लाख ले लिया गया, 7-7 लाख ले लिया गया, 10-10 लाख ले लिया गया। लेकिन इसमें जब जांच चलता है तो बहुत लोगों का आरोप होता है कि जब नेताओं तक जांच पहुंचता है या बड़े अधिकारी तक जांच पहुंचता है, वहीं रोक दिया जाता है। नहीं, अगर नेताओं तक जांच पहुंच रहा है और बड़े अधिकारी तक पहुंच रहा है, उसको रोक दिया जाता है, तो इसमें मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि प्रधानमंत्री, मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूं और ना ही प्रधानमंत्री का गुणगान गा रहा हूं, प्रधानमंत्री ने जो किया है इसलिए बता रहा हूं कि इसमें अब निश्चित रूप से नेता हो, मंत्री हो, अधिकारी हो, उस पर जांच की बात नहीं है। अगर उन पर जांच जाता है तो उसको रोकने की आवश्यकता नहीं है। अब नीट में क्वेश्चन आउट हो जाना, यानी नीट मतलब दूसरा भगवान, डॉक्टर का मतलब क्या होता है, दूसरा भगवान। आपसे मैं कहूं कि 2024 के ये डॉक्टर हैं और इनके पास जाके इलाज कराई था, कोई नहीं कराएगा, तो ये बिल्कुल गलत है। और वैसी परिस्थिति में सरकार को कमर कस लेना होगा, ताकि ये तमाम उन चोरों को अंदर किया जा सके, चाहे वो मंत्री हो या चपरासी। इसमें पूरी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस जिला के डीएम को दिया जाए, एसपी को दिया जाए, उस सेंटर पर दिया जाए जहां क्वेश्चन छपता है, उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाए। निश्चित रूप से इसमें गिरावट आएगी, गिरावट तो आना ही चाहिए इस बिल के बाद, इस पर रोक लगेगा। अन्यथा मैं बता दूं, ये 10 साल कह रहा है लोग, 94 से
पार्ट वन से मैं पढ़ा रहा हूँ, 94 से लेकर अभी तक कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं हुआ है जिस एग्जाम में क्वेश्चन लीक नहीं हुआ है। 94 से अभी यस क्वेश्चन लीक नहीं हुआ है। और आप रोड पर चल जाइए तो बीपीएससी के अध्यक्ष अलग लाठी चलवाते हैं, बीपीएससी के अध्यक्ष अलग लाठी चलवाते हैं, सिपाही वाले अलग लाठी चलवाते हैं, अब्दुल प्रसाद अलग फंडाबाजी करते थे। ये सारे के सारे लोग पता नहीं बच्चों के साथ कौन सा खेल कर रहे हैं। इसमें केवल और केवल सरकार को जागना है, पब्लिक जाग चुकी है निश्चित रूप से इस परिस्थिति में, और गार्जियन भी पूरी तरह से होश में आ जाए कि बच्चों को, जो पैसे वाले गार्जियन है बच्चों को यह चाहते कि वो करा दें, वो होश में आए, क्योंकि देश की अस्मिता का प्रश्न है, राज्य की अस्मिता का प्रश्न है। अगर इसके साथ कुठाराघात होता है तो बहुत गलत होगा। और अभी भी मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध कर रहा हूं कि जो बिल माननीय प्रधानमंत्री ने लोकसभा से पास कराया उसको पूरी टाइट से लागू कराइए। अरे भाई, शराबबंदी हो सकती है तो क्यों नहीं ये क्वेश्चन पेपर आउट होना बंद क्यों नहीं हो सकता है? बिहार पुलिस का आउट हुआ था, अभी तक मालूम चला कि पहला सरंगना कौन है, सबसे उसमें कुख्यात कौन है, ये सब मालूम चला? मालूम नहीं चला तो ईश्वर का हुआ। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि सरकार पूरी जिजीविषा के साथ इसमें भिड़े और कोई भी आउट कराने वाला हो उस पर रखे। और मीडिया वाला से आप लोग से बोलूंगा कि आप लोग इंटरव्यू लेते हैं, आप लोग स्टिंग ऑपरेशन चलाइए, क्योंकि कोचिंग माफिया भी इसमें भिड़े हुए हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। कोचिंग माफिया निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कहता हूं। और उसके लिए सीबीआई जांच कर रही है। सीबीआई को कभी तो कोई सरकार बोलता है कि तोता है फलाना है, इसकी जांच आपको होनी चाहिए, तो सीबीआई जांच करे। और एक और जांच कमेटी बनी है, शिक्षा मंत्री ने अभी बनाया, अभी मैं देख रहा था, तो निश्चित रूप से ये जांच ऐसा हो कि किसी गरीब के कंधे गर्दन पर चाकू न चले और दूध का दूध पानी का पानी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।